क्या हो कि आप सुबह उठो और जोर का धमाका हो, आपकी आंखों के सामने एक बहुत तेज रोशनी आ जाए जिससे आप अंधे हो जाओ। लोग बैठे रहे और उनकी चमड़ी जलकर गिरने लगे और एक मिनट में ही लाखों लोगों की मौत हो जाए। आपके चारों तरफ सन्नाटा छा जाए। थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई दे तो सिर्फ रोते बिलखते लोगों की। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, जब जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। इन हमलों में कुछ ही मिनटों में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद भी कई सालों तक लोग मरते रहे। दोस्तों ये थी एक परमाणु बम की ताकत, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा परमाणु बम है। अगर युद्ध हो और इनमें से कुछ बम गिरा दिए जाए तो लाखों करोड़ों लोग मौत के घाट उतारे जा सकते हैं और साथ ही हमारी धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम भी बिगड़ सकता है। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो लगभग 10 करोड़ लोगों के मरने की संभावना हो सकती है, क्योंकि इन दोनों देशों के पास ही सबसे ज्यादा परमाणु बम है। दोस्तों इस वक्त आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा देश है जो परमाणु हमले होने पर भी खुद को सुरक्षित कर ले। कई रूस को मानते होंगे, कई अमेरिका को, कई चीन को, तो कई भारत को। लेकिन दोस्तों विश्व की ये बड़ी महाशक्तियां परमाणु हमला होने पर खुद को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक दूसरे को टारगेट कर रखा है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं विश्व के एकमात्र उस देश की जो विश्व युद्ध होने या परमाणु युद्ध होने पर भी खुद को सुरक्षित रख सकता है, और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, स्विट्जरलैंड। ये खूबसूरत देश इतना मजबूत है कि अपने आप को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश है, मतलब ना ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और ना ही नाटो का, और 2002 तक तो इस देश ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन भी नहीं किया था। दुनिया में अब तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड ने दोनों युद्ध में भाग नहीं लिया। ये देश हमेशा से ही शांति के सिद्धार्थों पर चला आ रहा है। इस देश ने अपने पिछले 200 सालों में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन आप इस देश को कमजोर समझने की कोशिश मत कीजिएगा। ये देश दुनिया का 37वां सबसे ताकतवर देश है। सुरक्षा के लिहाज से अगर इस देश की बात की जाए तो ये देश खुद को चीन, अमेरिका, रूस इन सब देशों से भी ज्यादा सुरक्षित कर रखा है। अगर कोई देश इस पर हमला करेगा तो जीत नहीं पाएगा। इस देश का 70% भाग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। यह देश दोनों तरफ से आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत से घिरा हुआ है, जो कि इस देश की सुरक्षा के लिए बाहरी कवच माने जाते हैं। ये पर्वत इतने ऊंचे हैं कि दूसरे देश की सेना लोहा लेने से पहले ही हार मान लेगी। इन पर्वतों पर जगह जगह बंकर बने हुए हैं जो कि सभी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। सामने से तो ये बंकर आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन जब शत्रु सेना इनके पास से गुजरेगी तो केवल और केवल मौत के घाट उतार दी जाएगी। स्विट्जरलैंड पर अगर कोई देश परमाणु हमला करता भी है तो उससे बचने के लिए इस देश ने जगह जगह बंकर बना रखे हैं। आपको इस देश की गली गली में ये बंकर देखने को मिल जाएंगे। इस देश ने इतने ज्यादा बंकर बना रखे हैं कि स्विट्जरलैंड की पूरी जनसंख्या के साथ शरणार्थी लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इन बंकरों में 6 महीनों तक की सारी आवश्यक चीजें रखी गई है। इस तरह ये देश परमाणु हमला होने पर भी खुद को सुरक्षित रखने की हिम्मत रखता है। इस देश ने नेशनल रिडआउट प्लान भी अपना रखा है, मतलब इस देश के हर युवा आदमी को 175 दिनों की आर्मी ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। इसके बाद इन्हें घर पर हथियार रखने की अनुमति भी दी जाती है। इस प्लान के तहत युद्ध होने की स्थिति में ये देश महज कुछ ही घंटों में 2,00,000 सैनिक तैयार कर सकता है। इस देश ने बड़े बड़े पहाड़ों पर बम लगा रखे हैं ताकि ये लैंडस्लाइड करवाकर दुश्मन सेना को ध्वस्त कर दे। अगर फिर भी दुश्मन सेना इन बड़े बड़े पहाड़ों से बचकर स्विट्जरलैंड के शहरों में घुस भी जाए तो इससे बचने के लिए इस देश ने अपनी सभी सड़कों पर बम लगा रखे हैं, जो कि रिमोट से कंट्रोल होते हैं। जैसे ही दुश्मन सेना इन सड़कों पर आएगी, रिमोट द्वारा इन सड़कों को ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिससे दुश्मन सेना इस देश के शहरों में घुस नहीं पाएगी। अगर स्विट्जरलैंड का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए तो कुछ ही मिनटों में वह अपने हाईवेज को हवाई पट्टियों में बदल सकता है। ये देश दुनिया के सभी देशों से अच्छे संबंध भी बना रखा है। दोस्तों पूरी दुनिया के राजनेता लोग अपना काला या सफेद धन इस देश के बैंक में रखते हैं, क्योंकि ये देश दूसरों के दबाव में आके किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी शेयर नहीं करता। तभी तो इस देश के स्विस बैंक में लोग अपनी ब्लैक मनी भी रखते हैं, जो कि लगभग सभी बड़े देशों के राजनेताओं की है। इसलिए भी स्विट्जरलैंड पर कोई हमला नहीं करना चाहेगा। स्विट्जरलैंड में 23% बैंक अकाउंट विदेशियों के हैं। अगर कोई देश हमला करता भी है तो उस देश के राजनेताओं की पूरी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। स्विट्जरलैंड पर हमला मतलब पूरी धनराशि को खतरे में डालना। इसलिए स्विट्जरलैंड ने सुरक्षा के लिहाज से ये भी एक प्लान बना रखा है ताकि कोई देश उस पर हमला करने की सोचे भी नहीं। तो दोस्तों इस तरह स्विट्जरलैंड को एक ऐसा देश कहा जा सकता है जो परमाणु हमला होने पर भी खुद को सुरक्षित रख सकता है। काश इनमें से कुछ सुविधाएं अपने देश
केस भारत में भी देखने को मिलती। यूरोप के लगभग हर देश बंकर या शेल्टर बना रखे हैं ताकि युद्ध की स्थिति में नागरिकों को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन हमारे भारत में आपको ऐसे बंकर देखने को भी नहीं मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में भी इन्हीं बंकरों की वजह से यूक्रेन के कई नागरिक सुरक्षित बच पाए हैं। दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से स्विट्जरलैंड को विश्व का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।